जय श्री राम, जय हनुमान। आखिरी मंगल की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र के नियम। यह विशेष दिन हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन लोग बजरंग बली की विधि विधान से पूजा करते हैं, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। वहीं कुछ लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और समस्त दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। द्रक पंचांग के अनुसार 18 जून 2024 को ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल माना जाएगा। आइए जानते हैं चौथे बड़े मंगल का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंगल मंत्र, आरती और उपाय। पूजा विधि। आखिरी बड़े मंगल के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, एक छोटी चौकी पर लाल या पीली कपड़ा चढ़ाएं, बिछाएं। इस पर हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। अब पूजा शुरू करें। बजरंग बली को अनामिका उंगली से तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, गंध चंदन, तुलसी की माला और फूल चढ़ाएं। इसके बाद उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी को काला चना बूंदी का भोग बेहद प्रिय है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। संभव हो तो व्रत भी रखें। अंत में सभी देवी देवताओं के साथ हनुमान जी की आरती उतारें। इन मंत्रों का जाप करें। नंबर एक, ओम हन हनुमंते नमः। नंबर दो, ओम अंगार काय नमः। नंबर तीन, ओम हन हनुमंते रुद्रात्मय काल हो फट। व्रत के नियम। मंगलवार के दिन लहसुन, प्याज, अंडा, नमक, शराब, नॉनवेज समेत तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद और काले वस्त्र धारण करने से बचें। व्रत के दौरान किसी का अपमान ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। इसके अलावा ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे बजरंग बली प्रसन्न होकर भक्तों के सभी दुख कष्ट दूर करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मीठा पान चढ़ाएं। चौथे बड़ा मंगल पर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मीठा पान अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और मनचाही मनोकामना भी पूरी होती है। हनुमान जी को केले का भोग लगाएं। बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी को 21 केलों का भोग लगाएं और बाद में बंदरों को केला खिलाएं। मान्यता है कि इस उपाय से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। जय बजरंगबली। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।